हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 3.1 एक्सरसाइज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सम बेसिक कांसेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ 3.2 एक्सरसाइज। इसमें सबसे हमने दो मेथड पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्व करने के। फर्स्ट इज एल्जेब्रिक मेथड एंड सेकेंड इज ग्राफिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मेथड। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 2x प्लस में 4y इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। यहां से दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे सोल्व करके इजिली प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें सोल्व करने के बाद या तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी या पैरेलल लाइन मिलेगी या कोइंसिडेंट लाइन। तो फर्स्ट केस क्या होगा इसका, हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। सेकेंड केस में पैरेलल लाइंस, इस तरह की दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन मिलेगा या तो हमें पैरेलल फॉर्म में या इंटरसेक्टिंग फॉर्म में। थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का क्या मतलब है, दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, कोइंसिडेंट मींस एक ही लाइन दूसरी लाइन के क्या होगी, ऊपर। दोनों लाइन क्या करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन। अब हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस का, फिर पैरेलल लाइंस का, देन कोइंसिडेंट लाइन। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस में y इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे 5 माइनस में y। यहां से कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे एक्स वाई। सबसे पहले हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए x को 0 पुट करेंगे, फिर y को 0। x को 0 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 5। y को 0 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है 5। सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन x y, x को 0 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या आ रही है -1। y को 0 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब स्टूडेंट्स देखो, इन दोनों इक्वेशन से जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उनको हम इजीली ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। फिर हमें क्या मिलेगा, दोनों लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। उनका एक इंटरसेक्ट पॉइंट जहां पे वो कट करेंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सिमिलरली एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस, एक्स प्लस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2y, सिमिलरली हम इसमें x को 0 पुट करके और y को 0 पुट करके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। x y, पहले x को 0 पुट किया, इसमें y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2। y को 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आ रही है 4। इन सेकंड इक्वेशन x y, यहां से हमने 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। यहां से x को 0 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या आ रही है 3। y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है 6। अब इजिली हम इन दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम ग्राफ के ऊपर इजिली प्लॉट कर सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, वहां से दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइन। सिमिलरली फॉर थर्ड इक्वेशन कोइंसिडेंस लाइन, एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ऐसे ही हम सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं सेम एज इट इज किसमें करेंगे, हम थर्ड पॉइंट में। हमें लाइंस क्या मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए एक अलग तरीका है कि हम इनको ग्राफ की बजाय अलग तरीके से इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लाइंस हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस और क्या है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। अब हम देखो इनको कैसे चेक करेंगे कि लाइंस हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस और लाइंस क्या है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशंस है। फर्स्टली भी है टू लीनियर इक्वेशंस, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस में सी वन इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारी ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। फर्स्ट है कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके लिए हमारी कंडीशंस क्या होंगी, ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। जो हमने दो लीनियर इक्वेशन लिए हैं इसमें ए वन बी वन सी वन क्या आएंगे, कोफिशिएंट।
क्या है इसके कोफिशियंट, यहां से हमें कंपेयरिंग करना है ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बी वन बाई बी टू, देन हमारी लाइन क्या होगी इंटरसेक्टिंग, और सोल्यूशन क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन में सोल्यूशन इज यूनिक, हमेशा हमें क्या मिलेगा एक यूनिक सोल्यूशन। सिमिलरली कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन, माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, दूसरी है
फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस 18 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम ए वन अपॉन ए टू मीन्स टू अपॉन बी वन अपॉन बी टू मीन्स थ्री अपॉन सिक्स सी वन अपॉन सी टू करेंगे माइनस नाइन अपॉन में माइनस 18 इसको कट करेंगे तो रेशियो हमारा क्या आ गया यहाँ से वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन टू मीन्स ऑल रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल देन लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में लाइंस क्या होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन और सोल्यूशन हमारा क्या होगा इसमें इनफाइनाइटली सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। Then some